तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वही ये क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि ये भी इस वाले सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, जैसे कि मैंने कहा था सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक एक टॉप और हाई लेवल डिज़ाइन, और एक होता है डिटेल लेवल डिज़ाइन में। तो कि जैसे कि टॉप लेवल डिज़ाइन में यहाँ पर कपलिंग आ जाता है, और ये हाई लेवल डिज़ाइन में यहाँ पर आ जाता है ये क्वेश्चन। तो फिर एक क्वेश्चन जैसे ओके, ये डिटेल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का ये एक कॉन्सेप्ट है क्वेंशन, जो कि बेस्ड होता है हमारे एफिशिएंसी के ऊपर। मतलब क्वेंशन हमारे एफिशिएंसी के ऊपर, मतलब जितना क्वेंशन रहेगा उतना एफिशिएंसी इसका हाई रहेगा। ओके, तो जैसे कि ये क्वेंशन वर्क करता है कहाँ पर, मतलब ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर ये होता है। तो जैसे कि मॉड्यूल्स आर क्लोजर रिलेटेड, मतलब जैसे कि क्वेश्चन बताता है कि जो भी सॉफ्टवेयर में जो भी मॉड्यूल्स है, वो सारे मॉड्यूल्स में जितने भी इंटीग्रल जो भी पार्ट्स है, वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, तो जैसे कि इसके प्रीवियस वाले सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये हमारा कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में जैसे कि एडिशनल मॉड्यूल और सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल होता है। तो जैसे कि एडिशनल मॉड्यूल में भी अभी एक एक एडिशन परफॉर्म करने के लिए इसमें जैसे कि काफ़ी सारे छोटे छोटे और इंटरनल मॉड्यूल्स होते हुए, ओके, इंटरनल पैकेजेस रहते हैं। तो इन पैकेजेस के बीच में जब इन पैकेजेस के बीच में जब ये क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, जब इसके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। मतलब ये मॉड्यूल्स के बीच में हाई नहीं रहना चाहिए। मतलब जो भी मॉड्यूल्स हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें का जो भी सब मॉड्यूल्स है, सब पैकेट्स है, वो सारों का जो भी इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहना चाहिए। तो जैसे कि इसमें हाई रहने पर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन में जैसे कि ये कुछ टाइप से, जैसे कि हो गया हमारा ये फंक्शनल क्वेश्चन, फिर उसके बाद सीक्वेंशियल क्वेश्चन, फिर उसके बाद कम्युनिकेशनल क्वेश्चन, फिर उसके बाद आ जाता है ये प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन, फिर उसके बाद टेम्पोरल क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन, फिर उसके बाद को इंसिडेंटल क्वेश्चन। तो जैसे कि ये भी जैसे कि सीक्वेंशन ऑर्डर में है, यहाँ पर जैसे कि को इंसिडेंटल कोहिजन पर जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कोहिजन लो रहता है, जो कि लो रहने पर जो भी इसका परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा वर्स रहता है। ओके, जैसे कि ये लिख देता हूँ, इसका परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका लो रहता है। और इसका परफॉर्मेंस कब हाई रहता है, जब ये इसका फंक्शनल कोहिजन, मतलब जो भी मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल्स के बीच में जो इसका फंक्शनल कोहिजन है, जब ये फंक्शनल कोहिजन ज़्यादा रहेगा, इसका इंट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तब इसके इंट्रैक्शन ज़्यादा रहने की वजह से जो भी इसका परफॉर्मेंस है, इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसका। तो जैसे कि यहाँ पर एक नोट है, कपलिंग मस्ट बी लो एंड कोहिजन मस्ट बी हाई। मतलब जो भी हमारा कपलिंग है, तो एक सॉफ्टवेयर को जब हम बना रहे तो हम उसमें इतना ध्यान रखते हैं कि जो भी उसका कपलिंग है, कपलिंग काफ़ी ज़्यादा लो रहना चाहिए, और जो भी उसका कोहेशन है, कोहेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहना चाहिए। तो उसके हाई रहने की वजह से जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस हाई रहेगा, और जो भी उसमें एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट वे में वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि कोहेशन इफिशियंट वे में वर्क करने के लिए कोहेशन हाई रहना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।